জল এবং পরিবেশ সংরক্ষণের বার্তা নিয়ে সাইকেলে চেপেই ভারত ভ্রমণে অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ। জল এবং পরিবেশ সংরক্ষণের বার্তা ভারতের প্রত্যেক গ্রাম এবং শহরে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে সাইকেলে চেপে ভারত ভ্রমণে বেরিয়েছেন হরিয়ানার হিসার জেলার বাসিন্দা সুভাষচন্দ্র। ষাটোর্ধ্ব এই প্রবীণ ওই রাজ্যের কৃষি বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত কর্মী। বয়স্ক বৃদ্ধ হলেও মনোবলে অনেক যুবকদের পেছনে ফেলে তিনি এগিয়ে চলেছেন সাইকেলে। ইন্টারন্যাশনাল ল্যান্ডস ক্লাবের সদস্য হওয়ার কারণে বিভিন্ন হোয়াটসঅ্যাপের গ্রুপ মারফত তাকে গাইড করছেন সংগঠনের সদস্যরা। ছয় মাস আগে হরিয়ানা থেকে বেরোনোর পর লকডাউনের গতি কিছুটা স্লো হলেও এখনো পর্যন্ত 9,000 কিলোমিটার অতিক্রান্ত করে ফেলেছেন তিনি। চলার পথে 700 বেশি গ্রাম এবং শহর পাড়ি দিয়ে ফেলেছেন ইতিমধ্যে। পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশের নেপাল, বিহার হয়ে গত রবিবার 12 ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গের ডালখোলায় প্রবেশ করেছিলেন তিনি। এরপর গোটা সপ্তাহ বাদে আজ নদিয়ার শান্তিপুরে তার সাথে সাক্ষাৎ হয় আমাদের। তিনি জানালেন, পথেই বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন প্রশাসনের উৎসাহে তিনি আপ্লুত। আজ রাত্রিবাস করবেন রানাঘাট ল্যান্ডস ক্লাবে। এরপর আবারও পথ চলা শুরু হবে কলকাতা হয়ে উড়িষ্যা ছুঁয়ে দক্ষিণ ভারতের একেবারে শেষ প্রান্তে পৌঁছে তবেই বিরাম নেবেন তিনি। সুদীর্ঘ এই যাত্রাপথে পথ চলতি এবং বিভিন্ন স্কুল কলেজে ছেলে মেয়েদের মধ্যে ছোট ছোট বেশ কয়েকটি সেমিনারও করেছেন তিনি। জল, মাটি, বাতাস কিভাবে দিনের পর দিন আমরা জেনে বা না জেনে কিভাবে দূষিত করে চলেছি এবং তার আগামী পরিণামই বা কি, সময় থাকতে এখনো তা কিভাবে রক্ষা করা সম্ভব, তারই মহামন্ত্র সর্বদা তার মুখে। সংবাদ সংস্থার পক্ষ থেকে আমরা তার উৎসাহ প্রদানের জন্য নিবেদন করছে এই সংবাদ, প্রার্থনা করি দেশের দশের উদ্দেশ্যে তার এই মহান ত্যাগ এবং কষ্ট সহিষ্ণুতা আন্তরিকভাবে ফলপ্রসূ হোক। जिले से हूँ और मैं पूरे भारत भ्रमण पे हूँ और जो मेरा मिशन है वो है जल और पर्यावरण कि पशु पक्षी पेड़ पौधे धरती के ऊपर जो कुछ है वो सब हमारी धरोहर है, उसको हमें बचाना है। और ये संदेश देने के लिए मैं पूरे भारत का, गांवों का, हर शहर का मैं भ्रमण कर रहा हूँ, स्कूलों में, कॉलेज में बच्चों को, स्टूडेंट्स को ये सब मैं बता रहा हूँ कि पानी कितना महत्वपूर्ण है, पर्यावरण जो है वो ऑक्सीजन जो है, पर्यावरण अगर सही है, पेड़ पौधे हैं तो ही हमें मिलता है। मैं बताना चाहूँगा कि मैं रिटायर्ड हूँ हरियाणा के एग्रीकल्चर मार्केटिंग डिपार्टमेंट से और अभी एक वर्ष पहले मैं रिटायर हुआ और उसके बाद मैंने निर्णय लिया कि मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे एक संदेश समाज को दे सकूँ। अकेले हैं? हाँ, मैं अकेला हूँ और हरियाणा हिसार से मैं पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार का पटना और पटना से मैं काठमांडू गया और काठमांडू में मैंने 700 किलोमीटर का सफ़र किया। वहाँ के लोगों ने बहुत प्यार सम्मान दिया है, उससे मुझे बहुत खुशी मिली है। और अभी मैं वापस बिहार से और यहाँ कोलकाता और उड़ीसा होता हुआ और जो है फिर दक्षिण भारत में जाऊँगा, यही मेरा मिशन है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष चंद्र है। कितने दिन से साइकिल चल रहा है? लगातार 3 महीने से हूँ, वैसे मुझे 7-8 महीना हो गया लेकिन बीच में लॉकडाउन था और हरियाणा में मैंने पूरा हरियाणा में घूमा हूँ तो वहाँ मुझे 4 महीना लग गया और अभी मैं 3 महीने से आपका हरियाणा से निकलने के बाद और यहाँ जा रहा है। किधर आप? इधर अभी कोलकाता जाएंगे, राणाघाट में कार्यक्रम है। मैं ये लायनिज्म का मेंबर हूँ तो लायनिज्म के लोग मुझे हर शहर में मिल रहे हैं और उनसे मैं जो है बात कर रहा हूँ और वो सब लोग मेरी व्यवस्था भी कर रहे हैं रहने का, खाने का, तो बहुत अच्छा मुझे समर्थन मिल रहा है। आप जैसे लोग हैं, मीडिया है, प्रेस है और राह चलते युवा हैं, यूट्यूबर हैं, ये सब लोग जो सम्मान दे रहे हैं मैं उसी से चल रहा हूँ। और ये मैं कहूँगा और ये मेरा अनुभव भी है कि साइकिल जो है पैरों से नहीं चलती, सब आप लोगों के प्यार से, समर्थन से ये काम हो रहा है। घर लौटेंगे कब? नहीं, अभी तो वापस लौटना जल्दी से संभव नहीं है क्योंकि मैं घर से काफ़ी दूर आ गया हूँ और अभी जाने का मतलब है 1 महीना और खर्चा भी काफ़ी होगा, तो देखते हैं।
जाना पहचाना है कहाँ यहाँ पर वेस्ट बंगाल में जहाज जा रहा है, जाना पहचाना है कि नहीं? नहीं, जाना पहचाना लायंस के लोग हैं। लायंस के लोग का मैं इंटरनेशनल मेंबर हूँ और हर शहर में 10-20 लोग हैं जिनमें ग्रुप में एक ऐसा मैसेज जा रहा है कि मैं अभी राणा घाट में राणा प्रताप लायन है उनसे अभी मेरी बात हुई है और वो कह रहे हैं कि मैंने कहा आई थिंक यहाँ से जितना भी है वो मैं एक घंटे में पहुँचवाऊँगा। दिन में कितने टाइम में साइकिल? दिन में 10 या 12 घंटे। 12 घंटे और एक घंटे में 12 से 13 किलोमीटर चलते। क्या नाम पता है आपका? सुभाष चंद्र। नोदिया थेके मलय दे, रिपोर्ट टाइम्स बांग्ला।